हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुज्जर और तीन पार्षदों को अवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा निलंबित करने पर मंगलवार को नगरपालिका कार्यालय के बाहर नगरपालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़, भाजपा जिला मंत्री पूनम सिंह परमार एवं भाजपा नगर अध्यक्ष महेंद्र माली की अध्यक्षता में भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हाथों में काली पट्टी बांध कर नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिला मंत्री पूनम सिंह परमार व पार्षद प्रेमचंद बरूत ने बताया कि अवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जयपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुज्जर सहित दो पार्षद को निलंबित कर 25 जून 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की याद दिला दी। यदि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाया जाता है तो जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अगर जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुज्जर और तीन पार्षदों को बहाल नहीं किया गया तो भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। इस मौके पर नगरपालिका उपाध्यक्ष चत्रभुज शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता अनूप सिंह राठौड़, पार्षद रमेश राखेचा, सतवंत सिंह परमार, मशाराम खचावा, नारंगी देवी सुथार, पेपी भाई, राखी भाटी, वीणा देवड़ा, रंजू भाटी, प्रेमचंद बरूद, दिलीप घांची, परबत सिंह, गोविंद कुमावत, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष छगन सेन, जागरूक टीवी के सुमेरपुर से शंभूलाल परमार की रिपोर्ट।